तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, लेंस के लिए इम्पोर्टेंट रेज है ना। रेज के लिए इम्पोर्टेंट रेज जो है हमारे पास में, जैसे मिरर में हमने चार तरह की देखी थी और यहाँ पर हम कितने तरह की देख रहे हैं, तीन तरह की देख रहे हैं ना। तो उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एक रे कन्वर्जिंग लेंस के कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। क्या है तेरे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिटर्न रहती फोकस पास उनके होंगे, देखें जो पैरेलल है वो क्या होगी डाइवर्ट की, वो ऐसा लगेगा कि आज से बिना डाइवर्ट हुए स्ट्रेट निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक कर रही विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक, तो इनका यूज क्या, इमेज फॉर्मेशन होती है वैसे इसमें होती है, उसका अपोजिट केस हो जाता है बस। तो एक बार इसको वन बाय वन देखते हैं जो है इस तरह की रेज है, देखते हैं ना। देखें तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किससे, लेंस से। तो मिरर में जो देखी थी हमने सेम उसी तरीके की है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी जो है सब सेम है। ठीक, पहला चेंज तो ये है कि जो उसमें हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे कॉन्केव मिरर के लिए, वही सारी इमेज फॉर्मेशन किसके लिए आएंगी इस बार, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अपोजिट हो गया, ठीक है ना। और जैसे उसमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए आई थी वो यहाँ पर किसके लिए आएगी, कॉन्केव लेंस के लिए, वो देखेंगे अभी उसको बाद में। पहले जो है लेंस को देखते हैं किसकी तरह आएगी, मिरर की तरह, ठीक। सेम क्या कह रहे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्फिनिटी पे है, रेज कैसी आती है पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ पर फोकस हो जाएगी, फोकस पे, ठीक है ना। मतलब कि दो रे लेनी है, एक रे पैरेलल फोकस से होगी जाएगी, ये वाली पैरेलल फोकस से होगी जाएगी, कहाँ पर बना है फोकस पे बनी है, ठीक। कैसा बना, एट फोकस रियल बनेगा क्योंकि रियल वैसे बन रहा है, इन्वर्टेड बनेगा, ये इसको एनलार्ज कर देखें, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डिमिनिश बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा केस क्या है, बिहाइंड एफ टू, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा एफ टू के पीछे, ये एफ टू है, एफ टू से पीछे हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वहां से दो रे लेंगे, ठीक, एक रे पैरेलल वो फोकस से जाएगी, ठीक, ये फोकस से गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, दो रे बोली थी कोई भी दो रे आप है ना, जो भी पढ़ी हमने तीन रे में से, ऑप्टिकल सेंटर से वो जो है कहाँ से पास होगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी, यहाँ पर देखे कट कर एक यहाँ पर एफ वन और एफ टू के बीच में, तो इमेज बना कहाँ पर, बिटवीन एफ वन और एफ टू, रियल बना रियल वे से बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश छोटा बन रहा है, ठीक। तो इसका ध्यान रखे कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, किस तरीके का, वो सब ध्यान रखना हमारे। ऐसे ही क्या F2 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, F2 पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रे पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट कट कर दिए कहाँ पर, F2 पर ही। तो क्या कह रहे हैं, F2 पे ऑब्जेक्ट था इमेज का बना, F2 पे रियल बना, रियल रेस से इन्वर्टेड, देखें इन्वर्टेड बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है ना, वैसा। फिर फोर्थ केस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, बिटवीन F1 एंड F2 यहाँ पर रखा है, फिर से एक रे ऑप्टिकल सेंटर पैरेलल है वो फोकस से पास होएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से वो डायरेक्ट निकल जाएगी, कहाँ कर ली, F2 के पीछे, है ना। ये रिपीट होने लग गया ना, किसकी तरह, इसकी तरह रिपीट होने लग गया, इनवर्स हो जाएगा जैसे पहले मिरर में होता था, है ना। तो क्या कह रहे हैं, एफ1 और एफ2 के बीच में, तो इमेज क्या बनेगा, एफ2 के पीछे, ठीक, बिहाइंड एफ2 रियल बनेगा, इन्वर्टेड बन रहा है और एनलार्ज बन रहा है, ठीक। फिर इसके बाद में खा रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, F1 पे रख दिया, F1 पे रखा, एक रे पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट, देखें कन्वर्ज हो रही है कहाँ पर, इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, तो इमेज का बनेगा इन्फिनिटी पे, रियल वे से बनेगा तो रियल, इन्वर्टेड देखें उधर जाकर के इन्वर्टेड ही बनने वाला है और वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा यहाँ पर, वेरी लार्ज, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट कैसे सीख तो वाला, ठीक, क्योंकि इसी में सिर्फ क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा हमारा, देखें ऑब्जेक्ट क्या रखा हमने, बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है,
एक ना पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली डायरेक्ट, ये डाइवर्ज होती जा रही देखें, तो कभी नहीं मिलेगी, तो इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे हम, वो काम हम मिल गई यहाँ पर, तो इसके पीछे ही मिल जाएगी, है ना। क्या बोले, टू आर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड क्या बन गया, इमेज बन गया, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बेस से बन रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट बन रहा है, कहाँ इरेक्ट बन रहा है, और एनलार्ज बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन याद रखनी है हमारे को, ठीक, किसके लिए है ये, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलरली देखते हैं किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए देखते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे पहले कॉन्वेक्स मिरर में दो केस बने थे, अपोजिट हो गए, किसकी तरह बनेंगे, उसी की तरह बनेंगे कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस मिरर की तरह, ठीक है ना। देखना है क्या करें, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो दो रेज पैरेलल, एक पैरेलल इधर जाएगी, दूसरी पैरेलल इधर जाएगी, मिलेगी नहीं, तो वर्चुअल में आएंगे इसको, कहाँ पर बनेगी, मिली फोकस पे, तो वही इमेज बनेगा, कहाँ पर बना इमेज, फोकस पे, वर्चुअल रेंज से, तो वर्चुअल इमेज बना, कैसा बनेगा, इरेक्ट, याद रखें इरेक्ट बनता है, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनना, हाईली डिमिनिश, ठीक है। दूसरा केस क्या किया हमने, अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी ले लिया हमने, है ना। हमने ये देखा है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा, इसको देखते हैं कैसे। ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, एक रे पैरेलल है, वो ऐसे चली जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से वैसे चली जाएगी, ठीक, ये मिलेगी तो है नहीं, इमेज बनेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, वर्चुअली पीछे, इसको भी वर्चुअली पीछे, तो इमेज बना कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ऑप्टिकल और सेंटर फोकस के बीच में, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल रेस से इरेक्ट बन रहा है, दिख रहा है हमें, और डिमिनिश छोटा बन रहा है ना, इसका ध्यान रखें, दोनों ही केस जो है अच्छे केस है, ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस का हो गया, कॉन्केव लेंस का हो गया, इसके बाद में हम क्या देखते हैं, लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस जो है, जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक, तो सिमिलर टाइप के रिजल्ट आते हैं, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों को देख लेंगे अभी, तो उसको जो है अभी देखते हैं, ठीक है। देखते हैं लेंस फॉर्मूला, देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले एक इमेज को भी फॉर्म कर लिया हमने, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट हमें अभी अभी पढ़ा हमने, F1 और F2 के बीच में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज क्या बनेगा उसका, F2 के पीछे बनेगा, ठीक है ना, बिहाइंड F2 बनेगा। ए भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इमेज उसका A' B' बनाया, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, दो मिरर जो है यहाँ पर ट्राइंगल्स ले लेते हैं, तो क्या ओ ए बी, और एक क्या ओ A' B', ठीक है, ऐसा है, ओ ए बी और ओ A' B', ठीक है। इसके अंदर जो है दो साइड्स देखते हैं, एक्चुअली रेशियो लेना है तो उसके लिए सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा इसको, देख ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल है, ये और ये 90 डिग्री है, बात खत्म होगी, ठीक है। दोनों सिमिलर है, सिमिलर है तो इनका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखते हैं कौन कौन से साइड ले रहे हैं, एक ले रहे हैं क्या ओ ए और ए बी, ठीक है, और इस वाले में क्या ले रहे हैं, ओ ए डैश और A' B', ठीक है, ये दो साइड ले लिया, ठीक। इसके अंदर क्या करते हैं हम, थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं, ओ ए अपॉन ओ ए डैश, ये हो गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसका हम बाद में यूज कर लेंगे, ठीक। दूसरा दो ट्राइंगल लेते हैं क्या, कौन सा, एक ये वाला और ये वाला, ठीक। तो एक जो है इसको यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर ट्राइंगल ओ एम एफ डैश ओ एम एफ डैश ओ एम एफ डैश एन, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ वन डैश ए डैश B' F1 डैश, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या है, ये वाला ट्राइंगल क्या अपोजिट है, और ये वाला क्या है 90 डिग्री, क्या हो गया सिमिलर, प्रूव हो गया सिमिलर हो गया, तो इसके इनके साइड्स का रेशियो ले सकते हैं,
तो साइड्स का रेशियो किस तरीके से ले रहे हैं, ये ले लेते हैं ओ एफ डैश ओ एफ वन डैश अपॉन ओ एम, और यहां पर ले लिया क्या ए डैश एफ वन, और यहां पर क्या जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस कर रहे हैं, ओ एम की जगह क्या जाएगा ए बी, ओ एम की जगह क्या आ गया बिकॉज ओ एम इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, हमें दिख रहा है, ठीक। और इसमें क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओ एफ वन डैश ए डैश एफ वन डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वेशन टू, ठीक है। इनके एल एच एस आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे इसके ना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू से क्या दिख रहा है हमारे को ओ ए अपॉन ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ वन डैश अपॉन ए डैश एफ वन डैश, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल हो गए, ठीक। अच्छा इसमें देखते हैं हम क्या इसको चेंज करते हैं, अच्छा ना ओ ए, ओ ए मेरा क्या है ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, नहीं इसको क्या बोल रहे हैं यू, ठीक। ओ ए डैश, ओ ए डैश मेरा इमेज का डिस्टेंस है, इसको क्या लिया हमने वी, सॉरी तो ये क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू ओ एफ डैश, ओ एफ डैश ये क्या है हमारा ओ एफ डैश क्या है फोकस ही है ना, तो ये क्या हमारा फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा क्या एफ और ए डैश एफ एफ वन डैश, ये ए डैश एफ वन डैश, ठीक है। तो ये हमारे को निकालना है तो हम क्या करें वी माइनस एफ करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा v माइनस एफ है, हो जाएगा v में से क्या करते हैं f को सबट्रैक्ट कर देते तो बच जाएगा ये, ठीक है ना, तो v माइनस एफ, ठीक। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या आता है, तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, तो यू एफ से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा यू वी अपॉन यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस ये था क्या यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू बी एफ अपॉन यू वी, ठीक। तो कैंसिल करते हैं यहाँ पर यू वी से यू वी, यू एफ से यू एफ और बी एफ से बी एफ, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन एफ, ठीक है। तो ये होता क्या हमारा क्या वन अपॉन एफ माइनस ये बन जाएगा वन अपॉन बी और ये बन जाएगा वन अपॉन यू, ठीक है। यहाँ वन अपॉन एफ को छोड़ देते हैं, वन अपॉन बी प्लस का हो जाएगा तो प्लस का वन अपॉन यू, ठीक। इसमें क्या नहीं किया अभी हमने साइन अप्लाई नहीं किया, तो साइन अप्लाई कर देते हैं अप्लाई साइन, ठीक। अच्छा साइन कन्वेंशन जो है हमारे पहले की तरह है, ठीक। साइन कन्वेंशन में क्या है वही चीज हमने पहले बता दी थी, इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है ना, उसका ध्यान रखें। तो फोकस क्या होता है कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, है ना, फोकस इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। वन अपॉन बी, बी की तरह रहा इधर की तरफ, तो ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और प्लस
यू क्या है इसके इधर है ठीक है ना, इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक, तो ये बजेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये क्या है आपका लेंस फॉर्मूला, क्या ये लेंस फॉर्मूला ठीक, बहुत जो है आसान है पहले की तरह ये ठीक, आप जो है इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको पोज करिए और नोट करना ठीक है। ठीक है तो मैग्निफिकेशन देख लेते हैं साथ में, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है हम लोग मालूम है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो मैग्निफिकेशन होता है, एच आई अपॉन एफ, एच ओ पहले की तरह ये पहले भी पढ़ा हुआ ठीक है, तो इसको डिराइव कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, यू और वी की फॉर्म में ठीक, बाकी यू और एफ और वी और एफ की फॉर्म में आप खुद से उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो। पहले हम देखते हैं क्या वी और यू की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, कौन सा ओ ए बी, ओ ए बी इस वाले में देखें क्या टेन, यहाँ पर देखें ये भी थीटा, तो ये भी थीटा है, तो ये टेन थीटा ले लिया, टेन थीटा क्या होता है पी ए पर परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है ए ओ, ए ओ ठीक है, इसी तरीके से क्या है फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, उसमें भी टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पर भी क्या जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या ए डैश बी डैश और बेस क्या हो जाएगा ओ ए डैश, इसको वन बोल रहे हैं इसको टू बोल देते हैं ठीक है ना, यहाँ पर दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी तो क्या जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया आपस में। अच्छा इसको हम कर लेते हैं ऐसा, ये हो गया ए डैश बी डैश फॉर्म ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया ओ ए डैश फॉर्म ए ओ ठीक है, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ ए ओ ए ये क्या हो गया मेरा यू, और ओ ए डैश, ओ ए डैश वो क्या हो गया मेरा वी, एच आई अपन एच ओ इज इक्वल टू वी अपन यू, अप्लाई साइन कर देते ठीक है, तो यहां से यहां देखें एच आई क्या है नीचे आ रहा है तो माइनस एच आई, एच ओ ऊपर था तो क्या हो जाएगा प्लस एच ओ, वी इसके इधर है तो प्लस का वी, और यू क्या है इसके इधर है माइनस का यू ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सिर्फ क्या रह जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो एम इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया हमारे पास में क्या एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाय, इसको भी ध्यान रखो एक लेंस फॉर्मूला था और एक ये था, इसका यूज कर सकते हैं जो है हमारे पास में न्यूमेरिकल्स करना है, इमेज जैसे मिरर के किए थे उसी तरह से इसके भी बनेंगे ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं क्या, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बाई कॉन्वेक्स लेंस है, जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है वो भी जो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होता है ठीक, दोनों साइड से क्या है कॉन्वेक्स सरफेस है ना, मेड ऑफ ग्लास, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू कितना 1.5 ठीक, आपसे पूछ रहा है इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर और आर टू दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इक्वल है कितना है 20 सेंटीमीटर, इसकी भी कितना है 20 सेंटीमीटर, साइन अगर लें तो इधर वाले का क्या लेते हैं पॉजिटिव और इधर वाला क्या है इस रे के लिए कॉन्केव सरफेस है तो नेगेटिव ठीक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट कितना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से क्या 5 सेंटीमीटर हाइट है उसका और 10 सेंटीमीटर यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे ऐसा रखा हुआ यू इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, साइन बोलो क्या लेंगे इसका माइनस का ठीक है, और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में हाइट है इसका ठीक, फाइंड द पोजीशन है हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन फाइंड करनी है पहले और फिर उसकी इमेज की हाइट
ठीक, पोजीशन का मतलब v, इसको v फाइंड करना है, ठीक, और एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज hi, ये दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक। तो पहला जो है v फाइंड करने के लिए मैं जो है लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम 1 / f = 1 / v - 1 / u, लेकिन इसमें f नहीं है, ठीक है ना, लेकिन म्यू दे रखा है ना, r1 r2 दे रखा है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1 / f = 2 म्यू 2 / म्यू 1 - 1 1 / r1 - 1 / r2 रखते हैं यहां पर 1 / r, म्यू 2 कितना दे रखा है 1.5 डिवाइड बाय म्यू 1, बाहर क्या है एयर मान लेते हैं तो 1 ही है, माइनस 1 1 / 20 माइनस, अब ये भी माइनस का है माइनस 20, ठीक है, कितना हो गया ये 1 / f, ये 1 / 2 बचेगा यहां से और ये 2 / 20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f आ गया यहां से कितना कॉन्वेक्स है ना, पॉजिटिव आना चाहिए था, f आ गया कितना 20 सेंटीमीटर, तो अब क्या जाएगा यहां से v आ जाएगा, तो 1 / 20, ठीक है, v फाइंड करना है, u इधर की तरफ है नेगेटिव माइनस 10, v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 1 / 20 प्लस 1 / 10, कैलकुलेट करते हैं इसको, 20 * 10 तो ये बनेगा 10 प्लस 20 1 / v इज इक्वल टू राइट, ये बचा, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 30 / 20 / 30 v इज इक्वल टू आ गया हमारे कितना 20 / 3 मतलब कि जाएगा 6.66 सेंटीमीटर, इतने तक है ना, इधर की तरफ बनेगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, इधर की तरफ भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस का है, सॉरी यहाँ गलत हो गया ना, ये प्लस का होता है माइनस का, यहाँ माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ठीक है, तो ये बनेगा कितना माइनस का 10 / 20 * 10, तो बीस का तो कितना आया यहाँ पर माइनस 20 सेंटीमीटर, बी कितना आया माइनस 20 आया, मतलब कि इधर की तरफ ही बनेगा, ठीक है, माइनस के 20 पर, इधर की 20 पर भी, है ना, अब ठीक। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, लास्ट वाला केस हो गया ना, इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा इरेक्ट, ठीक है ना, तो उसमें और एनलार्ज बनेगा, मैग्निफिकेशन क्या है, वी वाई यू होता है इज इक्वल टू एच आई / एच ओ, वी कितना है माइनस 20, यू कितना है माइनस 10, एच आई हमें कैलकुलेट करना है, एच ओ हमारे को फर्क दे रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, एच आई कितना आ गया 2 10, एच आई क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, मैग्नीफाई बन रहा था उसमें लास्ट वाले केस में, इसमें क्या हो गया इमेज मैग्नीफाई हो गई, ठीक है। तो ऐसे है, क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं इसके ऊपर आप जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस करें, ठीक है, देखते हैं फिर इसके बाद।